तो भाई लोग, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं टोटल रेसलिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे WWE रॉ की हाइलाइट्स के बारे में। तो भाई लोग, आज मैं सिर्फ आपको WWE रॉ के मेन टॉपिक ही बताऊंगा, क्योंकि भाई लोग मुझे अपने एकेडमी भी जाना था क्रिकेट की, इसलिए मैं आपको WWE के मेन टॉपिक बताऊंगा और थोड़ी न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा। तो भाई लोग, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई लोग, WWE रॉ की स्टार्टिंग ब्रॉक लेसनर करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रॉक लेसनर को कई हफ्तों से एडवर्टाइज किया जा रहा था WWE रॉ के लिए। तो भाई लोग, ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग में अपनी कमाल के एंट्रेंस के साथ और प्रोमो कट करते हैं रोमन रेंज के बारे में, लेकिन तभी वहाँ से पॉल हेमन आ जाते हैं और वह ब्रॉक लेसनर को कहते हैं कि तुम रोमन रेंज को हराने का दम रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा समर स्लैम में। तो गाइस, तभी वहाँ से थ्योरी भी आ जाते हैं। तो ब्रॉक लेसनर उन्हें कहते हैं कि तेरे में दम है, तू रिंग में आगे दिखा, लेकिन थ्योरी नहीं आते। तो ब्रॉक लेसनर उन्हें उनकी क्लिप दिखाता है जब इन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर में इन्हें पोर्ट के ऊपर से F5 लगाया था, जिसे थ्योरी कहते हैं कि मैं अभी तक इसे नहीं भूला है। लेकिन गाइस, तभी पीछे से ओटिस और चैड गेबल हमला कर देता है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर हमारे बीस्ट हैं, लेकिन जैसे ही ब्रॉक लेसनर थोड़े खड़े हुए तो उनका कुछ चांस नहीं था ओटिस सर का। ब्रॉक लेसनर ने जब इन्हें स्टील स्टेप से मारा और इन्हें अनाउंसर टेबल पर पटका ओटिस को, जब बहुत मजा आया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर लिया। ऐसी धमाकेदार स्टार्टिंग देखने को मिलती है हमें आज की। तो भाई लोग, WWE रॉ का जो आज का मेन इवेंट था वो था रिडल एंड बॉबी लैशली वर्सेस थ्योरी एंड सेथ रोलन के बीच। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन चारों के बीच फ्यूड चल रही है, इसलिए WWE वालों ने ये मैच प्लान किया। लेकिन इस मैच से शुरू होने से पहले ही डॉव जिगलर अनाउंसर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि डॉव जिगलर क्या करने आए हैं, तो ये आपको मैच के एंड में पता चलेगा। तो भाई लोग, ये मैच आपको बहुत अच्छा मिलेगा देखने को, आप इसे एक बार इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि सेथ रोलिन और रिडल कितने एथलीटिज्म रेसलर हैं, और बॉबी लैशली पावर हाउस और थ्योरी भी अच्छे रेसलर हैं। तो भाई लोग, मैच के एंड कुछ ऐसा होता है कि जब सेथ रोलिन को बॉबी लैशली साइड कर देता है बैरिकेड के थ्रू स्पेयर लगा के, तभी तो थ्योरी रोल अप के सहारे से विक्ट्री लेना चाह रहे थे रोप के सहारे से। तो भाई लोग, एकदम आ गए डॉव जिगलर, उनका पैर हटा देता है, इसलिए थ्योरी उनसे गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए एकदम पीछे से हार के लग जाता है रिडल को, और तभी रिडल ये मैच जीत जाते हैं और बॉबी लैशली। लेकिन तभी आखिर में आकर डॉव जिगलर सुपर किक लगा देते हैं थ्योरी को, जिससे हमें पता चल जाता है कि थ्योरी डॉव जिगलर थ्योरी के लिए आए हैं, इसलिए आज का अच्छा खासा रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई लोग, चलते हैं अपनी कुछ अलग खबर के बारे में जो कि जुड़ी है WWE के रिलीज के बारे में। तो WWE वालों ने अपने दो सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। तो इन दोनों सुपरस्टार्स का नाम है कर्टिस एक्सल और आर्य तिवारी। WWE वालों ने एक और बार रिलीज कर दिया है कल या परसों के दिन। तो भाई लोग, WWE वाले इन्हें रिलीज भी करते रहते हैं, इनसे और कुछ तो कराते नहीं WWE वाले, इन्हें जॉबर की तरह ही काम देते हैं। तो भाई लोग, मैं तो इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दूंगा ही। तो भाई लोग, चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट खबर के बारे में जो कि जुड़ी है केविन ओवंस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि केविन ओवंस जो है वह इंजर्ड हो चुका है, लेकिन अब तक के हमें यह नहीं पता चला कि उनका इंजर्ड टाइम कितने दिनों का रहेगा। तो भाई लोग, ये पता चल गया है कि उनका इंजर्ड टाइम 1.5 से 2 महीने का रह सकता है, इसलिए मैं आपको 1.5 से 2 महीने के बाद WWE में वापसी करते हुए दिखेंगे। तो भाई लोग, मैं तो उनकी अच्छी रिकवरी के लिए प्रार्थना करूँगा कि वह जल्द से जल्द WWE में आ जाएँ, क्योंकि उनकी फ्यूड बहुत अच्छी चल रही थी एलियास के साथ। तो भाई लोग, WWE की न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई लोग, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में।